भी बना के दिखाऊंगी जो कि बहुत ही कुरमुरा होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। और इसमें मैंने कोकोनट पर शुगर का स्टफिंग भरा है। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। करंजी रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है। मैं इसको ये बाउल में डाल रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 बड़ा स्पून घी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी बस चुटकी भर नमक और इसको मिक्स करेंगे और जितना चाहिए उतना पानी डाल के इसका एक डो रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने डो रेडी कर लिया है। इसको ज़्यादा सॉफ्ट मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइट रखिएगा, इतना ही, ज़्यादा टाइट नहीं। और इसको थोड़ा सा ऑयल देके ऊपर से ढक के आधा से 1 घंटे तक उसको रख देंगे। अब हम इसका स्टफिंग रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 नारियल को ग्रेट करके रखा है और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कढ़ाई को गर्म कर दिया है। अब मैं इसमें कोकोनट डाल दूंगी और इसका जो मॉइस्चर जाने तक इसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। देखिए कोकोनट जो है रोस्ट हो चुका है, ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 कप पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसका क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना मीठा खाना हो उसके हिसाब से। अब हम इसको थोड़ी देर ही मिक्स कर लेंगे और बंद कर लेंगे, नहीं तो ये मॉइस्चर गेन कर लेगा फिर से। मैं बंद कर रही हूँ फ्लेम। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 स्पून मैदा और 2 से 2.5 स्पून ऑयल यूज़ करके इसका एक ऐसे घोल बनाया है। ये देखिए मैंने मैदा को 1/2 आवर तक रेस्ट करके रखा था। ये देख सकते हैं सॉफ्ट है। अब हम इसको करंजी बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हम करंजी बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं ये साइज़ का बॉल्स बना लूँगी। ये बॉल बना के इसको बेल लेंगे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके। मैंने इसी प्रोसेस में 5 बेल के रेडी कर लिए हैं। अब मैं एक के ऊपर एक डालूंगी और उसके ऊपर ग्रीस करूंगी। ये जो मैदा और घी का जो घोल बनाया था इसको इसके ऊपर से ग्रीस कर देंगे और इसके ऊपर दूसरा कवर कर देंगे। इसके ऊपर फिर से ग्रीस करेंगे और दूसरा कवर करेंगे। ये देखिए मैंने एक के ऊपर एक डाल के बीच में मैंने जो मैदा और घी का ग्रीस किया था ऐसे कर दिया है। अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। मैंने कट कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे बेल देंगे और इसको ऐसे रोल कर देंगे। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे जो स्टफिंग बनाया था कोकोनट और शुगर पाउडर का, ये ठंडा हो चुका है। अब मैं 1 स्पून इसमें से ले रही हूँ और यहाँ को यहाँ ऐसे बीच में डाल दूंगी। बीच में डाल के साइड साइड थोड़ा सा ऐसे पानी ग्रीस कर देंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके चिपका लेंगे। अच्छे से चिपका दीजिएगा, नहीं तो वो खुल सकते हैं फ्राई करते टाइम, देख सकते हैं आप। अब मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे ऐसे फोर्क लिया है और मैं इसको साइड में ये डिजाइन दे दूंगी। मुझे ये डिजाइन पसंद है, आप और कोई डिजाइन भी दे सकते हैं। ये देखिए मेरा करंजी बन के रेडी है। इसी प्रोसेस में हम बाकी को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसी सेम प्रोसेस में पूरे करंजी को रेडी कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे।
ये देखिए फ्राई करने के लिए मैंने ऑलरेडी ऑयल को गर्म कर दिया है, ये पूरा हीट हो चुका है। अब मैं इसको स्टीम में रख दूंगी और इसके बाद हम डालेंगे करंजी को। ऐसे ऊपर से ऐसे ऑयल दीजिएगा तो इसके लेयर्स जो है अच्छे से खुल के निकल आएंगे। अब मैं इसको पलटा दूंगी। देखिए मेरा जो करंजी है हो गया है, अब मैं इसको निकाल दूंगी। देंगे और इसी प्रोसेस में बाकी सारे करंजी को भी मैं फ्राई कर लूंगी। ये देखिए मैंने सेम प्रोसेस में सारे करंजी को फ्राई करके रख दिया है। मैंने इसको लो फ्लेम में ही रख के फ्राई किया था, पहले अच्छे से हीट कर दीजिएगा ऑयल को, उसके बाद लो करके उसको फ्राई करना। ये मेरा लेयर्ड वाला करंजी बनके रेडी है। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितना कुरमुरा हुआ है। आप देख सकते हैं इसके लेयर्स भी ऐसे निकल के आ रहे हैं, दूसरे में भी दिखा सकते हैं। देखिए इसके लेयर्स पूरा दिख रहे हैं, लेयर्स हमने जो बनाया था। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और पूरा क्रंची है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।